अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। ये चिकन है, मैं चिकन दो प्याज़ा बनाने जा रही हूँ। आधा किलो चिकन है, मैंने चिकन अच्छे से धो लिया है और मैंने कांदा, लहसुन, मिर्ची, टमाटर ले लिया है। कांदा कम से कम 6 लिया है मैंने और लहसुन 3-4 आड़ी लिया है। और ये गर्म मसाला है, काली मिर्च, जीरा, इलायची, जायफर, लौंग, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची। तेल को गरम करेंगे, 2 परी तेल लेंगे और उसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो हल्का ब्राउन हो जाएगा, फिर उसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड कर देंगे फ्रेंड, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप लोग भी ट्राई कीजिए। इसे चिकन के साथ, मसाले के साथ चिकन को मिक्स कर देंगे, फिर उसका पानी थोड़ा सोख लेकर उसको ढक देंगे। और फिर फ्रेंड ढकेंगे हम इसीलिए थोड़ा क्योंकि पानी उसका सोख ले, इसलिए ढक देंगे थोड़ा 10 मिनट के लिए। फिर उसे हम खोल के देखेंगे ये हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी इसमें छूट रहा है, अभी भी पानी है। तो इसे हम खुला पकाएंगे। देख लिए हमने, पका लिया है, तेल ऊपर आ चुका है। अब उसमें हम सारा खड़ा मसाला ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखा था। और उसे ऐड करने के बाद हम उसमें मिक्स कर देंगे चिकन को और मसाले को। फिर उसमें हम 1.5 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हम फिर उसमें लाल मिर्ची पाउडर और बुक्की धनिया 2 चम्मच ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। फिर उसमें हम सारे मसाले को और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर उसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास तक पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन मसाला सारे अच्छे से गल जाए। बहुत इजी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। हम लोग ऐसे ही बनाते और खाते। फ्रेंड देखिए, अब हमने जैसे कि उसे ढक दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हमने उसे खोल के देखा है तो अभी ये नहीं बना हुआ है अभी तक। और इसे और अभी मतलब सुखाएंगे, इसमें और पानी ऐड करेंगे थोड़ा। फिर इसे हम खोल के देखेंगे फ्रेंड ये बन चुका है कि नहीं। फिर भी देखिए नहीं बना है तो इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद उसे चलाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि हमारा चिकन और मसाला अच्छे से हो जाए। देखिए फ्रेंड, हमने खोल के देखा है कि हो चुका है। हम लास्ट में नमक ऐड करते हैं बिकॉज चिकन फूट जाता है, इसलिए मैं हमेशा मेरे हर रेसिपी पर मैं लास्ट में नमक ऐड कर। देखो फ्रेंड, हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। चिकन दो प्याज़ा कितनी टेस्टी दिख रही है, कितनी यम्मी दिख रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और खाइए। बहुत इजी है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे घर वाले लोग को भी ऐसे ही पसंद है। देखिए हमारा बना के मैंने किसे उसे सर्व कर दिया और उसमें कोथमीर ऐड कर दिया है। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।